सो हाय व्हाट्सअप गाइस, आज का टॉपिक एकदम बहुत ही कमाल का लेके आए हैं कि भाई अगर आप एक गेमर हो तो आपके पास किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। गेमिंग की बात हो रही तो आपके पास तो एक प्रोफेशनल मैकेनिकल कीबोर्ड तो होना ही चाहिए और एक भौकाली सा माउस होना चाहिए। तो ये तो खैर भौकाली माउस नहीं है, लेकिन आज का वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, ये है गाइस। तो हेलो देयर व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग लेके आए एक मज़ेदार सी प्रोडक्ट को जो कि हर एक गेमर के पास होना चाहिए। ये है वो हमारा प्रोडक्ट ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब ट्रांसफॉर्मर गेमिंग एसेसरीज, कॉम्बो में मिला था, काफ़ी सस्ता मिल गया था मुझे ये 1100 रुपए के आसपास और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश, आप देख रहे हैं जेटअप। तो फटाफट से चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो खैर ये फ्रंट से तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स लगता है ये, और काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है गेमिंग कीबोर्ड तो इसका। तो साथ ही साथ इसको मैं करूँगा अपने ओरिजिनल कीबोर्ड से कंपेयर, जो कि मैं करेंटली अभी तक यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से। इस पर स्टिकर लगाया एवेंजर्स का ही, ऑफिशियली एवेंजर्स का नहीं है भाई। तो साइड की तरफ बेसिकली कुछ ये की फीचर्स देखेंगे आप कीबोर्ड के बारे में, वहीं पर आप दूसरी साइड में इसके माउस के बारे में कुछ की फीचर्स देखेंगे। पीछे की तरफ इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, इसके सारे चीज़ें जो इसके कीबोर्ड माउस में हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फीचर्स, इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल कीज, बैकलाइट, एलईडी ऑन ऑफ फंक्शन, ब्रेडेड केबल, ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पे कुछ दिए हैं। इंटरफेस आपका यूएसबी और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कीज 104 है। यहाँ पे आपके वायर्ड गेमिंग माउस के कुछ फीचर दिए जाते हैं, ब्रेडेड केबल के साथ आता है गोल्ड प्लेटेड यूएसबी, और स्पेसिफिकेशन में आपको यूएसबी मतलब इंटरफेस मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ बटन आपके 6 हैं। इसका बेसिकली प्राइस पड़ पा रहे होंगे आप लोग 1999 रुपये, लेकिन ये आपको सस्ते में पड़ जाएगा 1100 के करीब। तो आइए करते हैं इसको अनबॉक्स। बेसिकली तो जिस प्रकार से हमारा ये बॉक्स मिलता है, अंदर जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें से एक आपका यूजर मैनुअल, एक थैंक यू बुकलेट, एक कीबोर्ड आपका गेमिंग, और साइड की तरफ देखेंगे तो ये गेमिंग माउस रखा मिलेगा। वैसे ये यूजर मैनुअल को पढ़ने की आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। एक थैंक यू कार्ड टाइप कार्ड मिलता है टीम ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से। फिर आता है हमारा गेमिंग कीबोर्ड जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, अभी तो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। परफॉर्मेंस मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि कैसा परफॉर्मेंस है इस कीबोर्ड का और साथ ही साथ इसके माउस का। तो चलिए हम निकाल देते हैं इस गेमिंग कीबोर्ड को बाहर। तो निकलने पर कुछ इस प्रकार का लगता है हमारा ज़ेब्रोनिक्स गेमिंग ट्रांसफॉर्मर की किट। कीबोर्ड जैसा देखने में है वैसे ही इसका परफॉर्मेंस भी है, काफ़ी गजब का परफॉर्मेंस के साथ आता है ये गेमिंग ट्रांसफॉर्मर। इसकी बॉडी देख पा रहे होंगे पूरा मेटल फिनिशिंग के साथ आता है, ये एल्यूमिनियम बॉडी है। साथ ही साथ इसमें जो की कैप्स है वो लेज़र टाइप की कैप्स है, ये देख पा रहे होंगे लेज़र टाइप की कैप्स इन्हें कहते हैं। और ये जो वाइट लेयर देख रहे हैं नीचे वो है हमारी एलईडी लाइट की लेयर। इस कीबोर्ड की खास बात ये भी है कि इसमें रुपीज़ की का की भी मिलता है आपको, और आपको बहुत सारी फंक्शन की देखने को मिलती है, जैसे F1, F2, म्यूज़िक कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल और भी बहुत सारी मीडिया की। अब आते हैं अपने माउस की तरफ। तो माउस तो भाई मेरे को पहली बारी में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ही, कीबोर्ड से ज़्यादा अच्छा मुझे माउस ही लगा, उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी है नीचे की तरफ से तो पूरा एल्यूमिनियम वर्क है, साइड से आपको मेटल वर्क मिल जाएगा और ऊपर आपको सिलिकन रबर के साथ फिनिशिंग मिल जाएगी ताकि आपको परफेक्ट ग्रिप दे गेमिंग करने में बनाने में। स्क्रोलिंग का बटन भी आपको ग्रिप के साथ बढ़िया मिलता है सिलिकन रबर की, और ये आपका DPI बटन है जिससे आप अपने सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं माउस की। और ये आपका फॉरवर्ड बटन, बैक बटन, जैसे आपने विंडोज़ खोला है माय कंप्यूटर वगैरह तो आप इससे और आगे कर सकते हैं, जो कि आपने खोला होगा उसके बाद की फाइल, और इससे आप वो अपनी करंट फाइल बैक कर सकते हैं इस वाले से। तो ये है पीछे की तरफ आपको सेंसर देखने को मिलता है ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग, जैसा कि बॉक्स पे लिखा था ये है ब्रेडेड केबल टाइप, और ये सोने की USB के साथ आता है, गोल्ड प्लेटेड USB के साथ आता है। भाई सोने का इतना कौन बना सकता है आज के टाइम पे। मैं आपको अमेजिंग बात बताना चाहूँगा कि मेरे गेमिंग कीबोर्ड, माफ़ कीजिएगा ये मेरा गेमिंग कीबोर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें भी रुपी की आपको मिल जाती है जैसे कि हमें इसमें मिली थी। तो डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल कीबोर्ड में और एक मैकेनिकल कीबोर्ड में? देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से इसको कर दिया सेटअप, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। वैसे अभी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे अपने नॉर्मल कीबोर्ड से तो काफ़ी अच्छा लगा ये मैकेनिकल कीबोर्ड। इसके कुछ अंदर ऐसे फीचर्स भी हैं जिससे आप लाइट चेंज भी कर सकते हैं। लेज़र की कैप टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे नीचे आपकी लाइटें जो जल रही हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में। ये कुछ इस तरीके की हमारी पहली लाइट लगती है, तो यहाँ पे जो लाइट वाला बटन देख रहे हैं आप, तो ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जो बटन देख रहे हैं आप इसको दबा के अपनी लाइट चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देख पा रहे होंगे मेरी कीबोर्ड की लाइट पूरी बदल गई है, और एक और बार अगर हम लोग दबाएँ कुछ इस तरीके से
तो एक और बार हमारी लाइट बदल गई है, तो उसके बाद दबाने पे ऑफ हो जाएगा। एक दो तीन, तीन तरीके की लाइट ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यूस लाइट जलाना चाहते हैं तो फंक्शन बटन दबा के आप इसको प्रेस कर दीजिए और ये चल जाएगा, अपने आप चलेगा भैया। साथ ही साथ जैसा मैं बता रहा हूँ कि आप अपने फंक्शन की दबा के ये एफ की सारी कीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गाना पॉज कर सकते हैं, अगला सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं और बहुत कुछ। जो आप रुपी की देख रहे हैं आप इसको भी दबा सकते हैं और इससे आपका रुपी की मतलब आपके उसमें रुपी वाला ये लोगो टाइप हो जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो मुझे माउस का भी काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि ये माउस ऊपर से सिलिकॉन रबर की मिक्सचर से बन के आता है, जो कि आपको एक अच्छी ग्रिप देता है आप गेमर्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ये ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी से लाइट चेंज करता है, जेब्रोनिक्स का ग्रेड लोगो बना, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है जलने पर। यही है कुछ कमाल के फंक्शन हमारे दोनों एक्सेसरी में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी कर देना। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो गाइस दिस इज यश साइनिंग ऑफ और आपसे मुलाकात होगी सीधे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।